हेलो दोस्तों, मैं राजेश डियाजारी आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आरडीएस सर में। आज 14 नवंबर 2019 है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का की आज जयंती है 130वीं, और जिसको बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे पूरे भारत भर। जो राष्ट्रीय बाल दिवस की मैं ये जो वीडियो बच्चे देखते हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं, उनको बधाइयाँ देता हूँ इस वीडियो के जरिए। और आज का जो KBC डेली क्विज है प्ले अलॉन्ग गेम में, वो हम खेलने वाले हैं जो LIC स्पॉन्सर्ड है। तो ये आज 14 नवंबर 2019 का डेली क्विज मैं ओपन किया हूँ, और वीडियो काफ़ी लेट हो रही है आज कुछ अन्य कारणों की वजह से। तो पहला सवाल आ चुका है दोस्तों, इनमें से क्या भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, दमन और दीव है, मिजोरम नहीं है, पुडुचेरी भी है। मैं तो मिजोरम इसका सही जवाब होगा, मिजोरम राज्य है। सही उत्तर आपका। और दोस्तों दूसरा सवाल आ चुका है, भारत में जिला प्रशासन अधिकारियों के संदर्भ में DM में M क्या है? आपको पता होगा जिला प्रशासन अधिकारी मतलब कि IAS जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहते हैं, जिला कलेक्टर, उनको बोला जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है, मैजिस्ट्रेट मैंने आंसर बता दिया, तो M का मतलब हो गया मैजिस्ट्रेट। मिनिस्टर, मैनेजर, मेट्रोपॉलिटन नहीं है, मैजिस्ट्रेट इसका सही जवाब है। DM मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तीसरा सवाल आ चुका है, 5 मिलियन में कितने लाख होते हैं? आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो बता दूं, काफ़ी लोगों को 1 मिलियन मतलब 1 करोड़ ऐसी गलत फहमी है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 5 मिलियन मतलब हो गए 50 लाख। बिल्कुल सही उत्तर आपका, ये हो गया सही जवाब इसका। और उसके आगे चौथा सवाल आ चुका है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप एक। और सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार समारोह किस देश में आयोजित होता है? आपको पता होगा UK में ऑस्कर नहीं होता, संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब कि USA जो है, वहाँ पे ऑस्कर पुरस्कार जो है समारोह होता है। तो ये सही है, इटली और फ्रांस भी इसकी गलत जवाब है, संयुक्त राज्य अमेरिका USA जो भी ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है दोस्तों, कुछ कारणों की वजह से हम तो पहली बात तो स्कूल से आने में देरी हुई, और फिर हमारे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, और फिर हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया। ये सब कारणों की वजह से ये वीडियो काफ़ी लेट हुई, वरना शायद और 1 घंटा पहले तो आराम से वीडियो 1.25 घंटा पहले आ गई रहती। तो अगला सवाल आ चुका है, 5वां सवाल है ये, इनमें से किस क्रिकेटर ने टेस्ट, ODI और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया है? राशिद खान अफगानिस्तान के, AB डिविलियर्स ही है साउथ अफ्रीका के, जो रूट इंग्लैंड के है, और मार्टिन गप्टिल न्यूजीलैंड के है। तो AB डिविलियर्स इसका सही जवाब है, मैंने तो पूरा विस्तार से बता दिया आपको, बाकी के 3 प्लेयर्स की कंट्रीज। अगला सवाल है 6वां सवाल, पौराणिक मान्यता अनुसार कौन से भगवान तांडव नृत्य करते हैं? मेरा पौराणिक मान्यताओं का जो है ज्ञान कम है, पर इसका जवाब पता है मुझे, शिव भगवान है जो तांडव नृत्य के लिए मतलब लोकप्रिय है। तो इंद्र, विष्णु और गणेश नहीं है, शिव बिल्कुल सही जवाब है। और कल ही आपको मतलब एक सवाल और था जो गणेश जी के बारे में पूछा गया था कि मूषक जो है वो या चूहा किस भगवान का वाहन है करके, तो उसका जवाब था गणेश, और आज का जवाब है शिव तांडव नृत्य के बारे में जो है। अगला सवाल आ चुका है 7वां सवाल है, इनमें से कौन अमेरिका का राष्ट्रपति रह चुके हैं? एक्चुअली अमेरिका के होना, और व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति अभी भी है, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति अभी भी है, और शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति है। बचा एक बराक ओबामा, और इसके लिए विकल्प की जरूरत नहीं थी, बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति है नहीं बल्कि थे, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। अगला सवाल 8वां सवाल है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कुल कितने घंटे होंगे? आपको पता होगा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे, और 12 बजे से 6 बजे तक 6 घंटे, ऐसे कुल मिलाकर 9 घंटे होंगे। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक पूछा गया है, और अभी ही 9 मिनट पहले शाम के 6 बज चुके थे, काफ़ी लेट हुई है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और इस वीडियो को जरूर एक लाइक करिएगा, अगर आपके सवाल सुझाव है तो कमेंट भी करिएगा, और दोस्तों अगर आप जो है इस वीडियो को भले ही कम समय है पर एक शेयर जरूर करिएगा। अगला सवाल है, कर्नाटक विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 224 तो भारत हमारे महाराष्ट्र की है, तो 288 नहीं होगा, 224 इसका सही जवाब होना चाहिए, मैं 224 को लॉक कर रहा हूँ। बिल्कुल सही उत्तर आपका, जो है 224 इसका सही जवाब था। और आखिरी सवाल आ रहा है, बस ये आखिरी सवाल है, मुख्य नायिका के तौर पर श्रीदेवी की पहली हिंदी फिल्म 16वां सावन किस वर्ष रिलीज हुई थी? ये सवाल बहुत ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, 1972, 1979, 1982 और 1986। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं इसको LIC इंश्योरेंस ले रहा हूँ, और मैं 1979 मुझे एक अंदर से गट फीलिंग आ रही है ये होना चाहिए, मैं लगा रहा हूँ
सही है गलत है पता नहीं, सही था जवाब। अगर ये गलत होता तो भी 50 अंक हमको मिल जाते हैं क्योंकि हमने सिक्योर किया था इसको। तो दोस्तों बस आपको पता होगा, देखे होंगे आपने कि पूरे हमारे आज के पूरे 10 जवाब सही है, 1000 अंक हमारे हमको मिल चुके हैं। और दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा भले, और अगर आपके कोई सवाल सुझाव है तो उसको शेयर करिए, कमेंट कर सकते हैं आप, और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा क्योंकि वीडियो अपलोड होते तक फिर भी आधा घंटे में के बाद में भी अगर होंगी तो भी 1-1.5 घंटा करीब आपको मिलेगा, तो आपके जो बाकी दोस्त है वो अपना लीडर बोर्ड में पोजीशन ग्रो कर सकते हैं क्योंकि लॉक करने में बस 5 मिनट का समय है, लगता है ज़्यादा लगता भी नहीं। और बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।